दोस्तों फाइनली पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन में HyperOS का अपडेट आ चुका है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन को HyperOS के साथ अपडेट करना है। इसी के साथ ही आपको बताऊंगा कि HyperOS में क्या क्या नए नए फीचर्स हैं जो कि पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन में ऐड हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोज को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों सबसे पहले अपडेट करते हैं पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन को, उसके बाद आपको बताता हूं कि HyperOS के आने के बाद इस स्मार्टफोन में क्या क्या नए नए फीचर्स हैं जो ऐड हुए हैं। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं फर्स्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अबाउट फोन, आपको इसी पर एक बार क्लिक करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर MIUI वर्जन है 14.0.7, यानी MIUI अभी इसमें इंस्टॉल्ड है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ MIUI पे, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स लिख के आ रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एन अपडेट इज अवेलेबल Xiaomi HyperOS, और नीचे आप इसका साइज देख सकते हैं 4.3 GB का यहाँ पर अपडेट आ चुका है। और अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HyperOS है उसका ही अपडेट आ रहा है, जिसके साथ ही इसमें फरवरी 2024 का सिक्योरिटी पैच भी है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो अपडेट है वो 4.3 GB का अपडेट है, तो आप देख लीजिए अगर आपके पास इतना मोबाइल डेटा है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर अपना एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। अभी मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड अपडेट्स के ऊपर। जैसे आप डाउनलोड अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो Xiaomi HyperOS का जो अपडेट है 4.3 GB का, वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% यहाँ पर डाउनलोड भी हो चुका है। तो मैं अभी इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो। A few moments later. दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट 100% डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है अपडेटिंग, यानी जो भी अपडेट आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रोसेस में भी यहाँ पर 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना है। तो मैं इसे भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे कर देता हूँ। A few moments later. अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपडेटिंग भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, 99% यहाँ पर हो चुका है। और जैसे ही अपडेटिंग यहाँ पर कंप्लीट है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंकिंग यहाँ पर लिख के आ रहा है, यानी जो भी आपका प्रीवियस डेटा है वो यहाँ पर इस नए OS के साथ यहाँ पर सिंक हो जाएगा। तो अभी इसकी सिंकिंग है वो भी कंप्लीट होने वाली है, आप देख सकते हैं 96% यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है, 100% हो चुका है फाइनलाइजिंग लिख के आ रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको एक बार रिबूट नाउ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिबूट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोबाइल फोन है वो एक बार रिस्टार्ट होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है पावर्ड बाई HyperOS, इसके कुछ ही सेकंड बाद आपका मोबाइल फोन है वो कंप्लीट यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार अनलॉक करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को अनलॉक कर लेते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है अपडेटेड सिस्टम सक्सेसफुली। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्स न्यू में यहाँ पर सिक्योरिटी पैच आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाते हैं उसके बाद जैसे ही आप अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है Xiaomi HyperOS, यानी यहाँ पर पहले जो MIUI लिख के आता था उसकी जगह यहाँ पर Xiaomi HyperOS लिख के आने लगा है, यानी MIUI की जगह HyperOS वो इंस्टॉल हो चुका है आपके मोबाइल फोन के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो भी और भी सेटिंग्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, उन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इंटरेस्टिंग मुझे फीचर इसका ये लगा है, जैसे आप नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करेंगे तो जैसे आईफोन के अंदर यहाँ पर प्लेबैक का एक ऑप्शन आता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर अभी HyperOS के अंदर भी आने लगा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ वाईफाई के ऊपर तो यहाँ पर पॉपअप बन के आ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था MIUI में डायरेक्टली यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो जाती थी। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं पूरा कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, यानी नोटिफिकेशन पैनल है वो तो कंप्लीट यहाँ पर चेंज हो चुका है यहाँ पर एडिट पर क्लिक करने के बाद, और भी ऑप्शन को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पहला चेंजेस है जो मुझे नोटिस हुआ है। इसके अलावा आपको दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस ये दिखेगा कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद जैसे ही आप एक बार लॉन्ग प्रेस इसके ऊपर करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले आईफोन में यहाँ पर स्क्रीन लॉक चेंज करने का ऑप्शन आता था,
वैसे ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड करके देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसे करना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक बार अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन है वो भी चेंज यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन की जो भी सेटिंग्स है वो भी सिमिलर हो चुकी है आईफोन की तरह। आप देखिए कुछ इस तरह के आइकन्स दिखते हैं आईफोन के अंदर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको इसके अंदर जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी फीचर्स ऐड हुए हैं, सबके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपने पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर हाइपर OS को इंस्टॉल करना है और क्या क्या नए नए फीचर्स हैं वो ऐड हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।